आज इस गैदरिंग के सामने में मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं क्लेरिफाई करना चाहेगा। कुछ ही घंटे पहले हमें पता चला है कि जो नागालैंड फ्रेमवर्क का ऊपर में सोशल मीडिया में एक गलत मैसेज किसी ने डाला कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नागा फ्रेमवर्क को ओके कर दिया और बहुत ही जल्दी इसमें अनाउंसमेंट होने वाला है। ये टोटली एक गलत मैसेज है, मीडिया लोग ने इसको एक गलत मैसेज कैरी किया। कुछ ही देर पहले हमारे साथ श्रीमान अमित शाह जी जो देश का होम मिनिस्टर है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, उनके साथ चर्चा हुआ और जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर नागालैंड के श्री आर एन रवि जी उनके साथ में भी हमारा बातचीत हुआ और दिल्ली से ये मैसेज दिया है पूरे अरुणाचल की जनता को कि नागालैंड फ्रेमवर्क तब जाके फाइनल करेंगे जब मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के साथ में कंसल्टेशन करने के बाद, मुख्यमंत्री आसाम के साथ कंसल्टेशन करने के बाद और मुख्यमंत्री मणिपुर के साथ कंसल्टेशन करने के बाद और बाकी जितनी भी जो अनेक स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही नागालैंड फ्रेमवर्क को फाइनलाइज किया जाएगा। तो ये एक मैसेज है। आज बहुत सारा मीडिया पर्सन यहाँ पे उपस्थित है तो जो सोशल मीडिया में आज शाम से जो एक रूमर्स फैला रहा था ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मैं आप सबको ये बात क्लेरिफाई करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।